हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द न्यू टॉपिक दैट इज कंपेयर एंड अरेंज। यू ऑलरेडी लर्न दिस इन स्टैंडर्ड 1-5। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। इफ ओनली टू नंबर्स आर गिवन, द पॉसिबिलिटी इज ओनली वन। वन ऑफ देम वुड बी ग्रेटर दैन द अदर और वन ऑफ देम वुड बी स्मॉलर दैन द अदर। इफ मोर देन टू नंबर्स आर गिवन, यू विल हैव टू अरेंज दैम इन ऑर्डर टू बी एबल टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। द अरेंजमेंट कैन बी डन इन टू वेज, आइदर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर और फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। मीन्स अगर हमें दो नंबर दिए गए हैं तो पॉसिबिलिटी ओनली वन होगी, यानी कि जो एक नंबर है वो बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा। और अगर हमें दो नंबर से ज़्यादा नंबर दिए गए हैं तो हमें इन्हें अरेंज करना होगा टू वे से, यानी कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यू ऑलरेडी नो दैट इफ़ वी अरेंज स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, वी कैन कॉल इट असेंडिंग ऑर्डर। And if we arrange them into largest to the smallest, we can call it descending order. Now let us understand ascending order. Here you have to given four numbers. So how can you arrange these four numbers into ascending order? So let's begin with step number one. Step one is count the number of digits in each of the numbers. मतलब ये जो चार नंबर्स है उसमें सभी नंबर्स में कितने डिजिट्स है वो पहले हमें काउंट करने होंगे। सो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स आर 7 डिजिट्स, मिडल नंबर्स आर 8 डिजिट्स। हियर यू नो वी आर अरेंजिंग दिस नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर, सो कंसीडर लेस डिजिट नंबर्स फर्स्ट। सो फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर आर कंपेयरिंग फर्स्ट। You can see here that in first number the first digit is 3 and in the last number the first digit is 8. Now you already know that which is the smallest number. Yes, the first number is the smallest number. So you can write this number first and the last number is at the second place. Now you have to compare second and the third number. So you can see here that in second and the third number the first two digits are same, that is 38 and 38. The third digit of the second number is 7 and the third digit of the third number is 1. You already know here that which number is the smallest number, that is 1. So number third is come at the third place. And second number comes at the last place. And in descending order, you can write the largest number first and then after smallest number. So that's enough for today. Hope you understand. Thank you.